मैं साथ ही ला हूँ और यहाँ मैं बच्चों का लंच रेडी कर रही हूँ किस, और साथ में आज ये लेके जाएंगे और फ्रेंच टोस्ट बना के दूँगी उनको साथ में। द लंच रेडी फॉर माई किड्स और आज मैंने इनको कप केक्स दिए हैं दोनों को, साथ में नगेट्स कर दिया है और फिर मैंने फ्रेंच टोस्ट बना दिया। फ्रेंच टोस्ट की जो मैंने क्वांटिटी है ना वो ज़्यादा रखी क्योंकि इनको ज़्यादा अच्छे लगते हैं फ्रेंच टोस्ट खाना, तो मैंने फिर इस तरह से आज फ्रेंच टोस्ट ज़्यादा कर दिए। का बस लंच रेडी हो गया, मैं इनको नाश्ते में भी फ्रेंच टोस्ट दूँगी और फिर बस स्कूल जाएंगे। जो है ना मैं नाश्ता बना रही हूँ, बच्चे स्कूल जा चुके हैं दोनों और ये देखिए बस दो पराठे बनाने हैं क्योंकि ख़ुद तो मैं नहीं खा पा रही हूँ पराठा वगैरह, तो मैं ब्रेड ले लूँगी साथ में चाय के साथ, ऐसे मैं नाश्ता बनाती हूँ जल्दी से। माई सन डूइंग हिज वर्क एंड राइट नाउ ही इज डूइंग अ कलरिंग। शो मी द पिक्चर और लुक एट द रैबिट, खरगोश देखें इसका ये किस तरह की कलरिंग कर रहा है। एक नया खरगोश आया है मार्केट में इसके बहुत डिफरेंट से कलर्स हैं, देखा साइड बना। और इन्होंने सारी ड्रेसिंग माशाल्लाह खुद से कर ली है, बिल्कुल भी ना हाथ नहीं पकड़ना पड़ता, ये सब कुछ खुद ही कर लेते हैं, इसका ये प्लस पॉइंट है। और यहाँ जो है ना इसका प्रोजेक्ट वर्क है, मेरी बेटी का था प्रोजेक्ट वर्क, शी इज़ डूइंग हर प्रोजेक्ट एंड आई मेक दिस ऑल पिक्चर फॉर हिम, वो फॉर हर and now she is just doing a coloring and making a outline, so dekh sakte hain aap, ab dekhte hain kis tarah ka color karti hai। do you want school ka kaam kar liya hai jo bhi tha wo maine inki help out bhi kar di hai, aur yahan maine kya karna hai ji, khane ko kuch banana tha to aise se maine kuch nahi banaya aur kuch dino se main bilkul kuch nahi banayi, to abhi main cutlets banaungi bas, तो चलें वो बना लेते हैं। आलू बॉईल करके रखे हुए मैंने, मैं कटलेट इस तरह से बनाती हूँ कि मैं फ्राई कर लेती हूँ सब्जियों को, उसका टेस्ट बड़ा मज़े का आता है और फिर इसमें पोटैटो ऐड कर दी। अच्छा मोस्टली जो है ना खाना ना पकाने को दिल चाहे तो आप ये बना सकते हैं, ऑयल मैंने पोटैटो मैंने बॉयल किए हुए उसको जस्ट मैश करेंगे इसमें और बस ये हो जाएगा। और मैं इसको ये मैश करती हूँ, ये मेरे दर्द सर की सारी वजह ना ये बच्चा होता है, ये जो रोता है ना ये ऐसे ये देख रहे हैं आप लोग, ये इस तरह मुझे तंग करते हैं और ऐसे रोते हैं गंदे बच्चों की तरह, कैसे रोते हैं ऐसे रोते हैं, ऐसे सारा दिन मुझे तंग करता है। और बस मैं ये बना रही हूँ इसको है कि अब मम्मा गोद में ले लें इसे और फिर मैं काम कैसे करूँगी, अभी मेरा काम ही ऐसा है कि मैं इसको मैश कर रही हूँ इस तरह से और इसके रोने ही नहीं ख़त्म हो रहे उस बच्चे के। और यहाँ जो है ना मेरे हस्बैंड सरप्राइज लेकर आए हैं गोलगप्पे, क्योंकि मेरा मूड सुबह बहुत ख़राब था और फिर जो है वापसी में ना ये गोल गप्पे लेकर आए, तो मैं अभी डिस्प्ले करती हूँ फिर मैं दिखाती हूँ। और यहाँ मैंने मिल्क रख दिया है, अजान हो गई है मगरिब की, मैं जो है ना बिल्कुल हल्की आंच पे करके तो नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ। यहाँ मैंने कटलेट्स के लिए मसाला रेडी कर लिया है तो वो मैं फिर कर लूँगी, मैं दूध फ्रिज में रख दूँ और ये सब कुछ छोड़ के तो मैं अभी नमाज़ पढ़ लूँगी पहले, फिर उसके बाद खाऊँगी। आई एम मेकिंग द गोल गप्पा और अब यहाँ पर मैं मीठी चटनी ऐड करूँगी, ये देख रहे हैं आप ज़बरदस्त किस्म के गोलगप्पों का ये टेस्ट होता है। और मैंने पहले तीखी चटनी डाली, अब हम यूजिंग द मीठी चटनी, क्लासिकल गोलगप्पा टेस्ट यम्मी, इसको इंडियन जो है पानी पूरी कहते हैं। और मेरे काफ़ी सारे फॉलोवर्स जो है ना सब्सक्राइबर्स और जो के हैं इंडिया से हैं and I personally love this so I'm just adding the extra on it like this, it's so yummy and tasty, mere muh mein pani aa raha dekh dekh ke aur bas main isko khane wali abhi, show the close up tak ye dekhe aap bana rahi hu। aur maine bread crumbs ki recipe bhi banayi hai aur wo main upload bhi kar dungi aur saath mein maine bread crumbs laga ke kabab fry kiye hain, dekhen kitni pyari look iski aa rahi hai। aur bas main roti bana rahi hu raat ke dinner ke liye।